किस प्रकार से आपके मंत्री गाली देते हैं, क्या ये मेरे मंत्री नहीं आपके भी मंत्री? आपका मतलब इस सरकार का मंत्री? मेरा मंत्री आपके भी मंत्री हैं। सरकार का मंत्री आप गुस्सा मत करें, आपके भी मंत्री हैं, मेरे मंत्री नहीं है, राजस्थान सरकार के मंत्री हैं। आप गुस्सा नहीं, आप प्रेम से आराम से गुस्सा नहीं करें, आप आराम से बोले। आप मैं आपसे, आपने जो कार्रवाई की वो नियमों के तहत की, चार लोगों को बाहर निकाला आपने, बड़ा मन रख करके उनको यहाँ तक अलाउ किया, कोई दिक्कत नहीं। पर हम आपके चैम्बर में ये भी कह के गए थे कि एक बार आप पूरी की पूरी फुटेज निकाल करके देख लें, और देखने के बाद अगर कांग्रेस के लोगों का भी और मंत्री का भी व्यवहार इस सदन के उपयुक्त नहीं था, या उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो इसकी गरिमा को घटाता है, तो उन पर भी एक्शन होना चाहिए, तब तो जाकर के न्याय होगा। बाकी एक तरफा न्याय हुआ, इसके कारण से दुख था। मैं सोचता हूँ कि हम भी चाहते हैं कि व्यवस्था को ठीक है। हम क्या चाहते हैं, मैंने आपसे भी निवेदन किया, मैं एक शिक्षक रहा हूँ, मैं कॉलेज में नहीं पढ़ाया, मैंने स्कूल में जरूर पढ़ाया, पर एक अध्यापक रहा हूँ, और अध्यापक रहने के कारण से ये जो एक गैंग बन गई है, जितने लंबा समय तक, मेरे समय में भी पेपर आउट हुए थे, मैं स्वीकार करने में कभी घबराता नहीं हूँ, मैं मेरे समय में भी हुआ है, ये राजस्थान में एक ऐसा माफिया गैंग तैयार हो गया है जिसने लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता ही चला जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि पहले भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ लोगों के खिलाफ केस बनाए होंगे, अब की बार भी जो इस प्रकार का केस बना है, मैं केवल आपसे एक इतना निवेदन करना चाहता हूँ, अगर मेरी बात कहीं सच आपको लगे तो उस पर विचार करिए। सारे राजस्थान की पेपर सुरक्षा की व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारियों को और पुलिस को थी, तो ये शिक्षा संकुल ही ऐसी क्या विशेष जगह थी जिस जगह पर केवल और केवल राजीव गांधी स्टडी सर्किल के नामजद लोगों को यहाँ पर नियुक्त किया। आप कह सकते हो नियुक्त करें, कोई दिक्कत नहीं, नियुक्त करें, उनमें से कुछ लोग पकड़े भी गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, केस बना, समझ में आता है, लेकिन उनको लगाने का काम किसने किया? इस प्रकार के घटिया लोगों को, जिनको पहले भी इसी प्रकार के दोष हो चुके हैं, उनको आप उस पेपर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपो। जब बाड़ी खेत को खा जाती है तो फिर जांच केवल और केवल उनको ही नहीं होगी, उनको लगाने वाले लोगों की भी होगी, जिन्होंने इस प्रकार के लोगों को लगाकर इन लाखों बच्चों के साथ किया है। मेरा ये कहना है कि परीक्षा जिस जगह हो रही होने दो, आपने 62,007 मिला दिए, बहुत अच्छा स्वागत योग्य है, आप उस परीक्षा के प्रोसेस को शुरू करिए ताकि बच्चों की जिंदगी के साथ किसी प्रकार की तकलीफ ना आवे, क्योंकि उनके मन में भी इस बात की पीड़ा है कि आखिर 19 से लेकर हम इंतजार कर रहे हैं, परीक्षा होगी, हमारा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन फेयर हो, इसमें सब स्वागत करते हैं, लेकिन अगर सिलेक्शन में ये इस प्रकार की नकलबाजी हो करके योग्य व्यक्ति तो पिछड़ जाएं, और इस प्रकार के ये जो गैंग है ना, ये गैंग कोचिंग सेंटरों के साथ मिली हुई गैंग है, अगर इसका पुख्ता प्रयास करोगे, यहाँ तक कि अगर मैं और मेरी पार्टी का भी कोई व्यक्ति इस गैंग का शरीक हो, उन सब का पर्दाफाश होना चाहिए, और ये गैंग राजस्थान में खत्म होनी चाहिए, ताकि लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ ये जो तमाशा चल रहा है, इस तमाशे का एंड होना चाहिए। इसलिए हमने कहा परीक्षा अपनी जगह आप कराओ, सिलेक्शन आप अपनी जगह कराओ, इन बच्चों को नौकरी आप अपनी जगह दो, जिस प्रोसेस से भी देना उस प्रोसेस से दो, पर उसमें पवित्रता बनी रहे। सीबीआई जांच के पीछे समय लग सकता है, मैं भी जानता हूं, लेकिन आज जिन लोगों ने इनको यहां लगाया, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के ये कौन लोग हैं, ये प्राइवेट लोग कैसे आए, ये प्राइवेट चलाने वाला व्यक्ति के हाथ में आपने उसकी स्ट्रांग रूम की चाबी कैसे दे दी, और चाबी से टूटा है, कोई पेपर कोई तोड़ के नहीं निकाला गया है, पेपर विधिवत निकला है, और उसमें से काटा कैसे, जिस प्रकार की कार्रवाई मैंने पहले दिन से स्वागत किया। मुझे राजस्थान की पुलिस पर आज भी इत्मीनान है कि हमारी पुलिस में कई अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन चूंकि इसको लगाने वाले लोग वो मंत्री और ऊंचे स्तर के लोग हैं, उनको मेरा SOG का राठौड़ बुला करके इंट्रोगेशन नहीं कर सकता है। इसका इंट्रोगेशन करने के लिए कोई तो भी स्वतंत्र पार्टी चाहिए, जो इन बेईमानों को भी पकड़ करके, ताकि सारी की सारी लिंक खुल जाए, और उसमें जो भी दोषी हो, मैं हूं, मेरी पार्टी का हो सकता है, इधर हो सकता है, उधर हो सकता है, मन में सबके एक ही इच्छा है, इन बच्चों के साथ न्याय हो।
इन बच्चों के साथ सही परीक्षा हो, इन बच्चों को अपना हक मिले, ये आप और हम सब चाहते हैं। और जैसे रेत माफिया होती है, शराब माफिया है, वैसे राजस्थान में एक लंबे समय से ऐसे माफियों की गैंग तैयार हो गई है। और इनके सरगना ये सारे के कोचिंग सेंटर के लोग मिलेंगे। जो पेपर 5 करोड़ में बिका, आप और मैं बाजार में खड़ा रह करके 10-10 लाख में बेचूंगा क्या? कब तक बेचूंगा? कब तक पेपर के पैसे वसूल होंगे? पेपर बेचने का मतलब पहले से ही कोचिंग सेंटरों से कोई तो भी समझौता है, एक साथ ही पेपर जाएगा। और इसलिए उन सारे कोचिंग सेंटरों का भी मेरे जमाने से लेकर के आज तक परीक्षा हुई उसके रिजल्ट का वेरिफिकेशन करो, उनको साथ मिलाने की कोशिश करो कि आखिर ये इतना अच्छा परिणाम देते हैं, इतना अच्छा आ रहा है तो केवल यही क्यों आता है? यहीं से एक एक गाँव में मेरे 11 CI ऐसा ही बने हैं, एक एक गाँव में, एक गाँव में। मतलब यह है कि ये केवल ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी एक गिरोह जिस प्रकार से चल रहा है, इस गिरोह को तोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए कोई तो भी पुख्ता व्यवस्था करने के लिए कोई तो भी पुख्ता व्यवस्था करना पड़ेगा। ये पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, ये बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है, उन सारे बच्चों का सवाल है जो बड़ी मेहनत करके अपनी गरीबी में पढ़ करके और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरी कुछ तबीयत बराबर नहीं है, मैं मूल रूप में एक बात कहता हूं, उन बदमाशों का पता लगने के लिए जो भी एजेंसी, मजबूत एजेंसी, जो चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गुलाब चंद हो, चाहे कोई चंदी हो, उन सब बेईमानों का पता लग करके उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई, ताकि भविष्य में इस प्रकार का जो तांडव चल रहा है 7-8 साल से चल रहा है, और ये गैंग लगातार लोगों के ध्यान में भी, कईयों के पुलिस के ध्यान में भी कई प्रकार की गैंग है, मैं सोचता हूं उन सारे प्रकरणों की जांच को अलग कर दीजिए, बच्चों की परीक्षा और उनका सिलेक्शन अलग कर लीजिए, 2 टुकड़ों में बांट करके और इसको करने का प्रयास करिए, तो राजस्थान की जनता और राजस्थान के बच्चे आपको और मुझे दोनों इस बात के लिए बधाई देंगे कि आपने जो निर्णय किया वो बच्चों के हित में किया, किसी पार्टी के हित में नहीं, कोई वोट के हित में नहीं। आज अगर इतने लाख बच्चे, तो 1 करोड़ जनता, उसके बच्चे बच्ची जो है ना, परिवार प्रभावित हो रहे हैं, उनके दर्द को कोई समझता है? 18 से लेकर आज 22 में आ गए, वो बच्चे नौकरी के लिए तरस रहे हैं। और इस कारण से मैं चाहता हूं कि इस जांच में किस तरह से तरीका आए जिसके कारण से दोषी किधर भी हो, चाहे कोई भी हो, मैं चाहता हूं वो पकड़ में आना चाहिए और उसके आधार पर होना चाहिए। आपने जो बात कही, हमने पहले दिन से आपसे निवेदन किया था, ये घटना केवल बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, और हिंदुस्तान में एक ऐसा उदाहरण हमारे यहाँ पेश हो गया कि 26 लाख बच्चों ने तैयारी की और जाकर के कुछ हजार लोग इस चोर रास्ते से घुस के नौकरियां प्राप्त कर ले और बड़ा बच्चा तरसता चला जाए, ये तो कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। हम जनप्रतिनिधि भी हैं, तो हम किसी के बाप भी हैं, किसी बच्चे के रिश्तेदार भी हैं, हमारा सबका धर्म बनता है उसके प्रति न्याय कैसे हो। इस कारण से विरोध दिमाग में है और मन से है, केवल नाटकबाजी से नहीं है।